हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। यहाँ पर हम बात करने वाले आज है जो हमारा अभी यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम हुआ है। सेकंड शिफ्ट की 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ था। उसके बाद जो है स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किया है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विद टीचर के नाम से, तो यहीं पर स्टूडेंट ने मुझको जो है क्वेश्चन शेयर किया है। एक बार हम भी देख लेते हैं किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल क्या रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन आया था हवन उपन्यास किसका है। उसके बाद यहाँ पर 4-5 उपन्यास है, इनको क्रम से लगाना था। मैलाचल, काशी काशी, बाण भट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी, इनको क्रम से लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन था कौन सी बोली अर्धमावड़ी अपभ्रंश में है, तो ये हमें बताना था। मूर्धन्य धवन्य से एक क्वेश्चन आया था, मूर्धन्य धवन्य से भी एक क्वेश्चन आया। फिर देवकी नंदन खत्री के उपन्यास का क्रम पूछा गया था। यहाँ पर उपन्यास के नाम भी दिए हुए हैं, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, इन सबका क्रम लगाना था। उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का क्रम पूछा गया था, कौन कौन सी रचनाएं थे वे भी देख लेते हैं। सामदेनी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, का संबंध किससे है ये हमें बताना था। और एक प्रश्न आया था धम्मी से, इन्होंने मुझको इतनी जानकारी दी है, आगे देखते हैं। फिर जो नाखून के ऊपर निबंध से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसा बताया गया है। और पृथ्वीराज दासो कविता से लाइन दिया गया था और पूछा था कि किसका है, कोई पंक्ति दी हुई थी और पूछी थी किसकी ये है। आगे चलते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से 4 वाक्य आए थे जिनको क्रम से लगाना था। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, क्रम के नाम पे कुछ भी पूछा जा रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अभी पूरा निबंध इसको अच्छे से पढ़ तो लिया जाता है, लेकिन इनको ये लगाना कि कौन सी लाइन पहले आई कौन सी बाद में आई, बड़ा टफ हो जाता है। तो आजकल जो है क्रम के नाम पे कुछ भी पूछ लेता है एंटी। ठीक है, आगे चलते हैं। विवेकी राय की भाषा से संबंधित एक प्रश्न था जिसमें 6 कथन थे और सही चुनना था हमें कौन कौन से सही है। ये कोड वाला क्वेश्चन होगा, वही ए बी सी डी, इनमें से कौन है कौन नहीं वो हमें बताना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि प्रश्न का जो है स्तर वो कैसा था। तो देखो उन्होंने बताया है कि ना तो ज्यादा इजी था ना हार्ड था। ठीक है, कोई बताया बहुत ही कठिन था, वो तो देखो आपकी थोड़ा तैयारी पे भी डिपेंड करता है। जिसने अच्छे से रचनाएं पढ़ी होगी उसको हो सकता है कि पेपर अच्छा लगा हो, कि मतलब ना ज्यादा इजी ना हार्ड, और जिन्होंने रचनाएं ज्यादा डीपली नहीं पढ़ी उन्हें ज्यादा हार्ड पेपर लगा हो। एक झुनिया का कथन भी एग्जाम में आया था। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज रासो कविता वाला हो ही गया। एक इन्होंने बताया कि गोदान उपन्यास से भी एक क्वेश्चन था। गोदान उपन्यास से मैं भी आपको बताती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों शिफ्ट में पूछा जाता है। सुबह वाली में ही पूछा गया था और शाम वाली में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है, महिला पात्र दिए गए थे। तो चंद्रगुप्त नाटक से महिला पात्र का क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे कॉम्प्रिहेंशन वाले सारे क्वेश्चन इजी थे, इनको जो है कॉम्प्रिहेंशन जो है सभी ने यही बताया कि इजी आया था। मजदूरी और प्रेम निबंध को क्रम से सजाने के लिए आया, ये रिपीट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम भी आया था। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले भी आ चुका है। आगे, अकाल में सारस किसकी रचना है। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन इजी में आते हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी को एक तो बड़ी फेमस रचना है और एग्जाम में भी ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुकी है। एक ही आया था, मालवी जो ये बोली है ये इनमें से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। संस्कृति और सौंदर्य वाला बात हो चुकी है, किससे संबंध था। राजा निर्वंशिया के यहाँ पर पात्र पूछा गया था कहानी से, राजा निर्वंशिया जो कहानी है वहां से जो है पात्र पूछा गया था। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऐसे लाइन था वही रेलगाड़ी वाली, जो वहां पर वो रेलगाड़ी वाली लाइन है निबंध में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, तो वहां से ये लाइन आई थी। आगे अब यहाँ पर जो है जितने क्वेश्चन मुझको अभी तक बताए वो मैंने सभी आपके साथ शेयर कर दिए। यदि अभी कोई क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे मुझे जो आपके क्वेश्चन याद है वो बता दीजिएगा। कल को मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें फर्स्ट शिफ्ट
और सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन अभी तक मुझे स्टूडेंट ने बताए हैं वे सभी एक जगह आपको एक बार बता दूंगी, और कोशिश करूंगी अगर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर पता चल जाए, बिल्कुल लाइन क्या आई थी, तो उसके आंसर भी रख दूंगी। तो यहाँ पर कल एक मैं वीडियो लेकर आऊंगी, उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इसी वीडियो के नीचे जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो मुझको बता दीजिएगा, जब भी ये वीडियो पॉसिबल हो पाएगी। तो एक काम तो आप ये कीजिएगा, और देखो यदि आपको लगता है कि पेपर ज्यादा हार्ड आया था इस बार मेरा, नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं है, दिसंबर में फिर से एग्जाम होगा हमारा, उसके लिए हम ज्यादा तैयारी करेंगे, कक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और यदि आपको कोई डाउट है एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है तो मेरी ईमेल आईडी पर आप जो है मेल कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी, आपके मेल का रिप्लाई कर दूंगी। और यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।